अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी फैमिली व्लॉग्स। आज है 28 फरवरी और शाम के बज रहे 7:15। और आज ईशा के पास जाना है मुझे हुस्ना को लाने के लिए, जाकर उसे 3-4 दिन हो गए, तो आज आने वाली है तो उसे लाने के लिए जाना है। और आज कार लेकर जाऊँगा लाने के लिए। और मैं कॉलेज से आ गया था, आकर सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था आज कॉलेज में मैं, क्योंकि आज कॉलेज में बड़ी घमासान की लड़ाई हो गई थी बच्चों के अंदर। तो यहाँ से उनको छोड़ाओ तो वहाँ जाकर फिर से लड़ाई कर रहे थे, फिर वहाँ छोड़ाओ तो वहाँ जाकर लड़ाई कर रहे थे, तो उनके पीछे भाग भाग कर पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया था। तो कॉलेज से आकर मैं सो गया था, तो लड़ाई तो ख़त्म नहीं हुई बहरहाल उनकी, लेकिन मेरा कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया, मैं आ गया 4 बजे निकल कर। तो थक गया था इसलिए सो गया था मैं, अब उठा हूँ तो अब जाऊँगा उस को लाने के लिए। लेकिन उसको लाने के पहले घर में कुछ चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो जो ख़त्म हो गई वो लानी है, वो जाकर लेकर आता हूँ। फ्रेंड्स, मैं और तब को आए गेहूँ लेने के लिए, आटा ख़त्म हो गया है गेहूँ का। 5 किलो गेहूँ दो तो गिरिंदर बेटा जा जा, तुम कार लगाए ना, वाई घर है ना। हाँ घर है, तो वो घर वाली अपने ये कार के छत पर टायर रखी और गुस्सा कर रही, गालियां दे रही, कार हटो बोल रही। फ्रेंड्स, हम लोग इन दिनों सिर्फ मैं अकेला आया हूँ, सब लोग यहीं पर थे, तो मैं आया हूँ हुस्ना को लेने के लिए और कार लेकर आया हूँ। और मैंने एक घर के सामने पार्क कर दिया था, वो औरत थी साइको, मतलब उसको थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है, जो उसने झगड़े किए मेरे साथ, मैंने उसे झगड़े किए, उसने तो डायरेक्ट पुलिस को कंप्लेंट किया कि कोई तो मेरे घर के सामने चोरी की कार ला के पार्क करके चला गया है। फिर उसके साथ इतनी देर तक बहस, फिर गाड़ी लेकर हम लोग अभी जस्ट आए और हमने करे घर के लिए। फ्रेंड्स, सबको लेकर ड्राइव पे निकले हम लोग, तो हम लोग जा रहे चाय पीने के लिए, बच्चे चाय नहीं पियेंगे आज, आइसक्रीम खाएंगे, तो उनको हम पहले दिलाएंगे आइसक्रीम, फिर हम जाके पियेंगे चाय। फ्रेंड्स, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं आइसक्रीम इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें लिया है 4 मैंगो आइसक्रीम, 4 स्कूप। बच्चों का आइसक्रीम हो गया फ्रेंड्स, अब हम लोग आए चाय पीने के लिए MBA चाय वाले में। तीन MBA चाय। फ्रेंड्स, हमारा चाय पी के हो गया, और ये जो चाय के जो ओनर्स है उसमें पार्टनरशिप में मेरा स्टूडेंट भी है, उसने देखकर मुझे पहचाना, बेचारा फ्री में चाय दे रहा था मुझे, लेकिन मैंने पैसे दिया, हमेशा मैं फ्री में लेता रहूँ, कभी कभी देता भी हूँ पैसे, तो मैंने दे दिए बेचारे को पैसे, और आऊँगा फिर से इंशाल्लाह। अरे बच्चे लोगों का भी हो गया है, वैसे खेल रहे अभी, चलो हुआ क्या। और हुस्ना नहीं आई थी तो हुस्ना के लिए मैंने लिया है पार्सल, और इनका पार्सल का सिस्टम बहुत अच्छा है, ऐसे पाउच में पैक करके देते हो, चाय गर्म भी रहती है और निकालना भी आसान होता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ कॉलेज से, अब बज रहे 6। तो एक्चुअली घर में जो मसाले की मिर्ची होती है वो ख़त्म हो गई है, और मुझे किसी और के हाथ की मसाले की मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मुझे मेरी बनाई मिर्ची पसंद आती है, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ मिर्ची लाने के लिए, साथ मसाला भी लेकर आएंगे। और घर पे गोश्त ख़त्म हो गया है तो वो भी लाना है, वो भी लेकर आऊँगा, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ मार्केट, अब पियेंगे चाय पीकर जाएंगे। फ्रेंड्स, उसने नए ऑनलाइन डब्बे मंगाए प्लास्टिक के, और इसमें सामान भर के रख दिया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि क्वालिटी बहुत हल्की है, ऐसे दबाने पर डब्बे दब जा रहे हैं। अली की नज़र बचाकर जाने की कोशिश चल रही है मेरी।
ये जवारी वाली है क्या? ये जवारी है क्या? और बैटरी कैसा है? तो फ्रेंड्स मैंने लिया है 1 किलो शंकेश्वरी मिर्ची। ये तीखी भी होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो सिर्फ मसाले की मिर्ची बनानी है इसलिए मैंने यही लिया है। मिर्ची ले लिए फ्रेंड्स। मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था और पास में मस्जिद थी, तो मैं आया हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स मिर्ची लेकर हो गया है, मैं आ गया हूँ मसाला लेने के लिए हमेशा की दुकान पर, महक ड्राई फ्रूट सेंटर। पाव किलो खोपरा, पाव किलो धनिया, 25 ग्राम लवंग, 25 ग्राम काली मिर्च, फिर ये बाकी के सब मसाले 10-10 ग्राम। प्याज और लहसुन भी लगेगा फ्रेंड्स मिर्ची में डालने के लिए, तो वो भी लेंगे अब। फ्रेंड्स मेरे को फुकट का बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर वहीं नहीं, और रोज़ शाम को तैयार होकर टी शर्ट पहन के कहाँ जा रहे बोलते भैया, मेरे पर डाउट कर रहे हैं मैं बाहर जा रहा बोलकर, मेरे कोई तो है बाहर। अभी बोले ना तुम रोज तैयार होकर कहाँ जा रहे शाम को भैया, तुम बोल कर बोले कल कहाँ गए थे तुम टी शर्ट पहनकर? कुछ ना लाने गया था गाड़ी पर, कार में जाते वक्त जुब्बा पहने, क्या वो कुर्ता जुब्बा पहने थे, जाते कहाँ तक गए थे ना 7 बजे कल शाम में? हाँ, टी शर्ट वो ग्रीन कलर टी शर्ट पहन कर गया। कल किधर गया था मैं? गया और आया फिर गुस्ता को लेने के लिए। नहीं नहीं, परसों दिन गया था ग्रीन टी शर्ट पहन कर, गया था मिलने को उसको। देखो फालतू में तो बदनाम करे, मासूम बच्चा, शरीफ बच्चा भी पराई, और उसके तरफ ऐसा निगाह उठा कर भी देखता है नहीं। मेरे को बदनाम कर रहे, देखो बाहर जा रहा हूँ बोलकर गर्लफ्रेंड के पास। फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा सबक सुना रहा है और आयत उसको सता रही है, उसको सबक सुनाने नहीं दे रही। आयु और ये हमारा छोटा जिन्नत व्लॉग देख रहा है हमारा। आयु अलो ये बेटा चलो सबक सुनाओ। और ऐसा का सबक खत्म होना है, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है ऐसा, आखिरी लाइन चल रहा है। ये भी पढ़ने का बेटा, एक हफ्ते में हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आज कॉलेज से जल्दी आ गया था, जुम्मा है, कॉलेज से काम से एक्चुअली बाहर जाना था मुझे, तो इसलिए फिर जल्दी आ गया था, वो काम हो गया। जुम्मा की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ अब, और अब खाने के लिए बैठ रहे हैं। और जो लेकर आए थे हम मिर्ची कल, वो मिर्ची ऊपर सुखाने के लिए डाल दिया है, मतलब हुस्ना ने डाल दिया, मैंने डाला है। कहाँ सुखाए? तो यहाँ पर ही मिर्ची सुखा दी है। और मैंने सिर्फ 1 किलो शंकेश्वरी मिर्ची ली है क्योंकि सिर्फ मसाले वाले बनानी है, अगर शादी वाली भी होती साथ में तो फिर ये 1 किलो और 1 किलो बैठगी ऐसा मिक्स करके लेता हूँ। यहाँ पर जवारी सूख रही है, ये बेडशीट सुखा कर 4 दिन हो गए यहीं पर है। और ये मिर्ची में डालने के लिए प्याज कट हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा प्याज होती है, 1/2 किलो होना खाली, पूरी प्याज ली वो इसमें क्या आते हैं 1/2 किलो लो सिर्फ, इतने लो प्याज रखिए। प्याज को भी काट कर सुखाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी फ्राई हो जाती हो, तो अब काट कर सुखाएंगे तो शाम तक सूख जाएगी। फ्रेंड्स कल जब मैं गया था मार्केट में मिर्ची लाने के लिए, तो आते वक्त वहाँ से आयत के लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ, मतलब रेगुलर यूज़ वाला ड्रेस है ये, मैंने लिया 50 रुपीज़ में एक, तो ऐसे 2 लेकर आया हूँ, ग्रीन और पिंक कलर का। और आज पेनी आया थी बेगम, आज जुम्मा इसलिए। और हम लोग कर रहे हैं लहसुन साफ, इसके छिलके निकाल रहे हैं मिर्ची में डालने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अली जा रहा है गार्डन को ज़ैनब और तप्पू के साथ। अल्लाह हाफिज़ अलू, अल्लाह हाफिज़, बाय। फ्रेंड्स आज जुम्मा है और घर पे दाल चखाना बन रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया दाल चखाना आज, और मैंने ही बनाया पूरा क्योंकि बहुत दिन बाद मेरी बहन नहीं आ पाई घर पे। एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा, पहले हर संडे आ जाती थी वो करीब में ये घर, लेकिन अब उसके एक्चुअली क्या, उसके 5 बेटे हैं, 2 बेटों की शादी हो गई, और बड़े बेटे को 3 लड़कियाँ हैं, 2 नंबर बेटे को 1 लड़की है, तो सब छोटे छोटे, तो अब इतना ज़्यादा बिजी हो गई वो बच्चों के अंदर कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है आने के लिए, तो आज मैं ही जा रहा हूँ उसको मिलने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा बना लिया दाल चखाना आज।
और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने कल मिर्ची के लिए जो नमक लाया था, तो मोटा वाला नमक डालते उसके अंदर, तो वो लेकर आया था, तो वही मैंने डाल दिया। तो मुझे थोड़ा हिसाब गड़बड़ हो गया, नमक ज़्यादा हो गया दालचीनी में, तो फिर से और थोड़ी दाल गला कर उसमें डालूंगा तो लेवल में आ जाएगा। मेरे पिशा के पास जाऊंगा, जाकर उसको मिलकर दाल चखाना दे कर आऊँगा। फ्रेंड्स देखो, अली को फिर से मार लग गया। गार्डन गया था खेलने के लिए, हमेशा गिरता पड़ता था, हमेशा कुछ तो कुछ लगता रहता है बच्चे को। फ्रेंड्स दालचा बन गया था, इसमें पहनने के लिए दालचा लिया है, इसमें चावल है, ये नीचे देने के लिए दालचा और खाना निकाल दिया है, यहाँ ऊपर के लिए इतना बचा है अभी, वैसे और दूंगा मैं नीचे ही देकर वापस। ऐसे इंद्रा बेटा, ये डब्बा निकल पा रही ना पकड़, वो ग्रीन कैरी बैग दिख रही है ना, देखो क्या, सीधा पड़ पड़े, सीधा पकड़, सीधा करो उसे, सीधा कर डब्बे को। फ्रेंड्स रास्ते में परवीनापा घर है, तो उनको भी हम आए दालचा देने के लिए। परवीनापा मतलब हमारी हाउस हेल्प। सीधा चलो बाबा, फ्रेंड्स हम लोग आ गए मेरी बहन के घर पे लेकर दालचा खाना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हो गया है नेक्स्ट डे, आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 11। मैं खड़ा हूँ मेरे घर के पास रोड पे बस के इंतज़ार में, कॉलेज की विजिट जाने वाली है फ्रेंड्स, तो मैं गाड़ी पर नहीं जाता, ऑब्वियसली कॉलेज की बस में जाऊँगा। मैंने गाड़ी घर पे लगा दी है और बस का कर रहा हूँ इंतज़ार, वहाँ पर आ रही है बस आगे। हमारी विजिट आई है LHP इंडस्ट्रीज़, एक बहुत बड़ी मोटर बनाने की इंडस्ट्री है सोलापुर में, सिटी के बाहर MIDC एरिया में, तो वहाँ पर हमारी विजिट आई है। तो अंदर वैसे मोबाइल अलाउड नहीं है, देखेंगे फिर भी। तो एक्चुअली यहाँ पर ये बनते हैं हर साइज़ के मोटर्स, और ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ से इनका एक्सपोर्ट होता है मोटर, हर साइज़ का मोटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉइज़ हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि कैसे पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। विजिट कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, चलते अब घर के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी फ्रेंड्स सोलापुर में, तो मैं आया हूँ कूलर खरीदने के लिए। वैसे घर पे कूलर है पिछले साल का, पिछले साल के अंदर सेंस 10 साल से हम वही यूज़ कर रहे हैं, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बार बार कुछ ना कुछ उसका पार्ट ख़राब होते रहता है, तो मैंने सोचा कि इस साल नया कूलर ले लेते हैं, तो वही देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। लेकिन ये भाई साहब इतना ज़्यादा कॉस्ट बता रहे हैं, देखें किसी और शॉप में लेता हूँ। कूलर फाइनल हो गया फ्रेंड्स, ये गोडाउन से निकाल रहे लोग, और अब लेकर जाने की परेशानी है, देखता हूँ रिक्शा वगैरह में डालकर लेके जाता हूँ। 5:30 बोले थे उन्होंने, लास्ट दिए 4,400 में, उसना के अब्बा के पहचान के थे, दोनों हिसाब से कम कर गए, 4,400 में दिए। पिछले हफ्ते फ्रेंड्स कुछ दिनों से अली का खाना पीना पूरा बंद हो गया था, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा था, तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि अम्मी ने भराड़ा उतारा था, नज़र नहीं करी थी उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको दूसरे दिन से बिल्कुल नॉर्मल हो गया, खाना पीना बिल्कुल ठीक से खा रहा है, और उसका रोना और सताना भी थोड़ा कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स जो मिर्ची के लिए जो मसाला लगने वाला है, पूरा मसाला तल के हमने तैयार करके रख दिया है, ये तले हुए आइटम है, ये भुने वाले आइटम है, ये सब कुछ तैयार करके रख दिया है। बस अब कल सुबह उठकर मिर्ची के जो पीछे के डंठल होते हैं वो निकालना है, फिर इसे कूट कर लाएंगे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जूस किचन के पेज पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स हम निकले कार के ड्राइव करने के लिए, अभी मैं आ गई हूँ चप्पल यहाँ पे भी, यहाँ पे चप्पल पहन रहा हूँ मैं, दूसरी चप्पल का। कवर निकालो पहले, अरे पहले नीचे बेल्ट निकाले सन उसको, हाँ रुक। चले अंदर अंदर गेट के अंदर करो, जो एक गिरता तो फिर गिरता संभल कर ऐसे पकड़। कितना बड़ा स्लाइम है, इतना इतना। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं ड्राइव पे, ये अली की शरारत देखो, पीछे बैठे जैनब आयत और अली, सामने एहसन और तफू, उसका भी पीछे बैठी है। तो चलिए अब चलते हैं। स्मेल
अबू ने कूलर ला दिया है, बहुत अच्छा है, जीजा का लव बू। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे एजेड फैमिली ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।